हाल ही में सुम्बुल तौकीर का हन एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई। एयरपोर्ट पर उनसे पूछा गया उनके आने वाली सीरियल काव्या के बारे में और एक म्यूजिक वीडियो करके जो है वो वापस आ रही थी। अब यहाँ सुम्बुल से मीडिया उनके आने वाले प्रोजेक्ट के साथ साथ इस बारे में भी बात करना चाह रही थी कि क्या वो एल्विश और फुकरा के साथ काम करेंगी। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले सुम्बुल ने ये बात कही थी कि वो शो देखती थी, जितना उन्होंने देखा था उन्हें फुकरा का गेम बहुत अच्छा लगा था जब वो गाड़ी लेने गई थी अपनी, लेकिन जब बाद में एल्विश जीता तो उन्होंने कहा कि देखो ये तो पूरा जो गेम होता है ये आपकी फ़ैन फॉलोइंग का होता है, आपको कितने फैंस सपोर्ट कर रहे हैं, कितने फैंस पसंद कर रहे हैं। तो कई बार जो हम सोचते हैं अक्सर ऐसा होता है कि जो रिजल्ट होता है वो अलग होता है जो हम सोचते हैं उससे। तो ये बात तो पिछले कुछ सीजन में साबित हो गई है कि जो ऑडियंस जिसको पसंद करेगी, जिसका फैन बेस ज़्यादा होगा वो जो है बिग बॉस की ट्रॉफी लेकर चला जाएगा। अब कल जब वो म्यूजिक वीडियो करके वापस लौटी तो मीडिया ने उनसे जानना चाहा कि वो किसी के साथ, यानी कि एल्विश या फुकरा में से किसी के साथ काम करना चाहेंगी, जिस पर वो कहती हैं गाना को अभी टाइम है। हालांकि उनसे म्यूजिक वीडियो के बारे में पहले पूछा गया तो उन्होंने कहा उसको टाइम है, अभी मेरा फोकस काव्या की तरफ है, काव्या भी बहुत डिफरेंट शो है इसलिए मुझे अभी थोड़ा टाइम लगेगा रिदम में आने में, तो अभी थोड़ा टाइम है, लेकिन हाँ कुछ हुआ तो ज़रूर। उनसे पूछा गया अच्छा फुकरा या एल्विश के साथ में से किसी के साथ करना चाहेंगी क्या, तो वो कहती है मेरा नहीं, मेरे दोस्त नहीं है, दोनों प्रोजेक्ट मिलेगा तो क्यों नहीं करूँगी, ज़रूर करेंगे। तो उनका ये कहना है कि भाई जब मेरे दोनों दोस्त नहीं तो उनके साथ मुझे काम क्यों ऑफर होगा। ये तो अक्सर मैंने देखा ही है कि जब आप किसी को इंडस्ट्री में जानते हैं, आपके दोस्त हैं, आपकी केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन लोग देखना चाहेंगे तब काम मिलता है। तो शायद सुम्बुल का यही कहना था कि जब दोनों मेरे दोस्त नहीं, मैं इतना नहीं पहचानती तो मैं उनके साथ म्यूजिक वीडियो क्या करूँगी, पर हाँ अगर कोई देगा तो मैं मना भी नहीं करूँगी। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे, अगर आपसे पूछा जाए तो सुम्बुल की जोड़ी किसके साथ आपको लगता है ज़्यादा अच्छी लगेगी, एल्विश या फिर फुकरा? कमेंट में अपनी राय लिखकर ज़रूर बताएं।